प्यारे बच्चों, आज हम बनाना सीखेंगे एक गुलदस्ता जो कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से बनाया जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए इसकी कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से आप ये कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है और इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे एक कैसे, ये इसके सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से सभी और चारों ओर से, और इसके बीच में लगाकर आप ये कुछ इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद आप अपनी सीजर के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। ओके, देखिए आप लोग कैसे कटिंग करेंगे। ये हो गई और एक ये, देखिए आप कुछ कट कर इस तरह से तैयार हो जाएगा। ओके, और कटी हुई बाकी बोतल से आप इसको कटिंग कर देंगे और इसको पेपर को उतार लेंगे। तो उसके बाद आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें अंदर बाहर से। और मैंने ये दो पत्तियां बना रखी हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। देखो इसकी लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर की, और इसकी चौड़ाई है 6.5 सेंटीमीटर की बड़े वाली पत्ती की, और छोटी वाली की है 8.5 सेंटीमीटर की लंबाई है और 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। आप कुछ दो पत्तियाँ इस तरह से बना लेंगे और बड़ी वाली पत्ती को आप जो ये लाइन नज़र आ रही है ये दोनों साइड में है इसके, तो इस लाइन के सेंटर में रखेंगे कुछ इस तरह से, और इसकी आउटलाइन करेंगे एक बार ये, और एक बार पलट कर यहाँ से। उसके बाद जो बीच में स्पेस बचता है यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। मैंने बना रखा है, देखिए कैसे, ये देखो ये बना रखी है। बड़े वाली पत्ती मैंने यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाने के बाद एक इसके बीच में स्पेस बच जाता है और एक इस साइड में। इसी तरह से इन दो बड़ी पत्तियों के बीच में आप लगाएंगे ये छोटी पत्ती चारों साइड से। ओके, और ये लाइनें आप यहाँ तक लगा लेंगे, इनकी पत्तियों की लाइनें खींच लेंगे। लाइनें लगाने के बाद आप सीजर के साथ इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आप इनको बीच वाले पॉइंटों की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए कटिंग करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। देखिए ये पत्तियाँ बनकर हमारी तैयार हो गई। कटिंग करने के पश्चात आप इन पत्तियों को देखो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी, और एक मोमबत्ती की सहायता से इनको कुछ इस तरह से करेंगे। और कुछ इस तरह से आप इसकी ऊपर तक खींच लेंगे इसको। देखिए अब ये अच्छे से बनकर तैयार हो गई, रुक गई है ये सारी कुछ इस तरह से ही। और कुछ इस तरह से बनकर हमारी ये बोतल की पत्तियाँ तैयार हो जाएंगी। और ये आपको दो बनाने हैं, एक इस बोतल का और एक दूसरी बोतल का। ओके, देखिए मैंने एक पहले से बना रखा था और एक दूसरा आपके सामने बनाया है। ओके, कुछ इस तरह से बनकर हमारे तैयार हो जाएंगी ये, और सीजर की सहायता से इसके अंदर इसके कवर पर ढक्कन पर 4 सुराख कर लेंगे आप। और आप इन छोटी बोतलों को भी जैसे कि आपने बड़ी बोतल को पीछे से काटा था, इसी तरह से छोटी बोतलों को भी काट लेंगे यहाँ से।
जैसे कि आपने इसमें डिज़ाइन बनाया था, कुछ इसमें भी इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इस पर कलर करेंगे। देखिए कैसे मेरे पास वाइट है और रेड है और येलो कलर के साथ हम करेंगे इसमें काम। देखिए वाइट कलर को आप कैसे लगा रहे हैं। ये हो गया वाइट। ये देखिए मैं बाहर की साइड लगा रहा हूँ, अंदर की साइड नहीं लगा रहा इसमें कलर। और ये बीच का जो मैंने एरिया छोड़ा है इसमें हम येलो कलर लगाएंगे। वाइट कलर लगाने के बाद आप रेड कलर लगाएंगे। देखिए और थोड़ा सा जब इसमें वाइट मिलेगा तो ये पिंक शेड बन जाएगी। ओके, इसी तरह से आप इन पांचों पत्तियों पर कलर लगा देंगे। इस तरह से आप कलर लगा लेंगे। ओके, और देखिए अंदर की साइड मैंने इसमें कोई कलर नहीं लगाया है और इसकी शाइनिंग कितने अच्छे से आ रही है। और इसकी जो ये एरिया दिखाई दे रहा है हम इसमें येलो कलर लगाएंगे। देखिए मैंने येलो कलर ले लिया है और ये मैंने इस पर येलो कलर लगा दिया। ओके, इस तरह के हम 3 से 4 पीस बना लेंगे। ओके, और एक ये हो जाएगा, ये हमारे इसको रखने के लिए होगा इस तरह से। और एक हमने इस बोतल का लिमका का एक वाइट सरफेस निकाला था वो बड़े फूल के लिए बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये 5 पीस बना लिए हैं, एक बड़ा है और 4 छोटे। और इस तरह से आप इनमें से सुराखों में से ये तार को निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद ग्लास के साथ इनको राउंड में घुमा देंगे जिससे कि नीचे से टाइट हो जाए, और ऊपर से आप इनको अलग अलग कर लेंगे और इसको सर्कल के साथ कुछ इस तरह से, ये देखिए घुमाने के बाद ये इस तरह से इस पर बल लगा देंगे। और इसके बाद आप ये इसको हाँ से कुछ इस तरह से कर देंगे। देखिए ये मैंने 5 तारें इकट्ठी कर लिए हैं, इस पे सबसे बड़े वाला फूल लगाएंगे और इन पे छोटे वाले। और इस तरह से आप इन दोनों को आपस में चिपका लेंगे गुलगुल के साथ। ये देखिए मैंने इसको चिपका दिया है इसमें। और उसके बाद आप इन तारों को इसमें से बाहर निकालेंगे। इस तरह से इन तार को निकालने के बाद इसको टाइट कर दें। देखिए तार इनके ऊपर हम अपने ये फूल इस तरह से अटैच कर देंगे। और इस लास्ट वाले पार्ट को आप जैसे कि मैंने ये एक्स्ट्रा कटिंग रखी, इस कटिंग को करके यहाँ पर आपने चिपका दिया था, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैंने ये चिपका दिया है। चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें कुछ पत्थर लेंगे कुछ इस तरह से और इसमें डाल देंगे इसका वेट बढ़ाने के लिए ताकि ये हवा में दाएं बाएं ना गिरे इस तरह से। अब ये हमारा फिक्स हो गया है। ओके, ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा, बाय।